वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और आपने यदि हमारा चैनल अभी तक एस्ट्रॉन्ट एक्सपिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। एस्ट्रॉन्ट एक्सपिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे डायरेक्ट टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, बैंक्स और रिजर्व बैंक के संबंधित वीडियो डाली जाती हैं। यदि आपको इनमें से कोई वीडियो देखना चाहें आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे केवाईसी के बारे में। केवाईसी मीन्स नो योर कस्टमर। जैसा कि आप जानते हैं यदि आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो वो इंस्टीट्यूशन सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहती है और इसी को कहते हैं केवाईसी या नो योर कस्टमर। और आज हम बात करेंगे बैंक केवाईसी के बारे में। जब बैंक में केवाईसी कराने जाते हैं केवाईसी के लिए सामान्य अवस्था में दो डॉक्यूमेंट्स बैंक को चाहिए होती है, वो है फोटो आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ। अब हो सकता है कि बैंक के आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हों या हो सकता है आप इसके फ्रेश कस्टमर्स हों। यदि आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं तो वो जितने कस्टमर्स हैं उनको, उन सारे कस्टमर्स को उन्होंने तीन ग्रुप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के हिसाब से बांटा हुआ है। पहला है हाई रिस्क कस्टमर, दूसरा है मीडियम रिस्क कस्टमर और तीसरा है लो रिस्क कस्टमर। यदि आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, इसका मतलब जिस टाइम आप फ्रेश कस्टमर थे बैंक ने आपसे केवाईसी मांगी होगी और आफ्टर सर्टेन पीरियड्स उसको फिर से अपडेट कराना होता है पीरियोडिकली, और इस अपडेशन को हम री केवाईसी भी कहते हैं। और हायर रिस्क कस्टमर्स को एवरी टू इयर्स में ये पीरियोडिक अपडेशन केवाईसी का कराना पड़ता है। मीडियम रिस्क कस्टमर को ये पीरियड 8 साल है और लो रिस्क कस्टमर का ये पीरियड 10 साल है। ये पीरियड जो है ये स्टार्ट होता है आइदर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट और लास्ट केवाईसी अपडेशन विच एवर इज लेटर, मतलब जो बाद में हुआ है उसके 2 साल या 8 साल या 10 साल डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर्स पीरियोडिक अपडेशन कराना पड़ता है, जिसे हम री केवाईसी भी कहते हैं। इसमें दो चीजें हो सकती हैं। यदि आप पुराने कस्टमर हैं तो हो सकता है कि आपके एड्रेस में कोई चेंज, जो उस टाइम जिस टाइम या तो आपने अकाउंट खोला था या अपडेट कराया था उस टाइम का जो एड्रेस था वही एड्रेस आज भी मौजूद है, और या हो सकता है कि उस टाइम कोई और एड्रेस था और आज एड्रेस चेंज हो गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस पोजीशन में यदि आपका एड्रेस चेंज हो गया हो और आपका आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उसमें केवाईसी की क्या प्रक्रियाएं होंगी। रिजर्व बैंक ने अभी पिछले 5 तारीख को 5 जनवरी 2023 को एक प्रेस रिलीज जारी किया और उसमें उन्होंने कहा यदि आपके एड्रेस में कोई चेंज नहीं आया हो तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन बैंक को दे सकते हैं और ये सेल्फ डिक्लेरेशन जो है ये नॉन फेस टू फेस चैनल द्वारा भेजा जा सकता है। नॉन फेस टू फेस चैनल मींस आपको बैंक की ब्रांच में विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि नॉन फेस टू फेस चैनल ये क्या है, क्या हो सकता है। सबसे पहले हो सकता है कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन रजिस्टर्ड मेल आईडी से भेज सकते हैं, दूसरा हो सकता है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भेज सकते हैं, तीसरा हो सकता है कि इसको अपडेट एटीएम से कर सकते हैं, और उसके बाद हो सकता है कि अदर डिजिटल चैनल से भी हो सकता है जैसे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, या ये सब चीजें से आपको असुविधा है आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक लेटर के थ्रू भी बैंक को सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि हमारा जो एड्रेस पहले था वही एड्रेस आ जाए, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका एड्रेस चेंज हो गया हो, इस बारे में रिजर्व बैंक कहती है कि रिवाइज और अपडेटेड एड्रेस जो है आप नॉन फेस टू फेस चैनल द्वारा बैंक को भेज दीजिए। यदि आपका एड्रेस पहले कुछ और था और अभी कुछ एड्रेस चेंज हो गया है तो रिवाइज एड्रेस या अपडेटेड एड्रेस वही नॉन फेस टू फेस चैनल, मतलब इंटरनेट बैंकिंग से, मोबाइल बैंकिंग से, रजिस्टर्ड मेल से, किसी तरीके से जिसको नॉन फेस टू फेस चैनल बोलते हैं इसके द्वारा बैंक को भेज सकते हैं। बैंक आपका केवाईसी अपडेट कर देगा, बैंक आपको फिजिकली ब्रांच में नहीं बुला जा सकता है। लेकिन अब बात करते हैं फ्रेश केवाईसी की। आप पहली बार बैंक गए हैं बैंक में खाता खुलवाने के लिए तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप बैंक में खाता खुलवाना चाह रहे हैं, आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन आप उस ब्रांच को विजिट कीजिए, और दूसरा ऑप्शन है वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस से अपना केवाईसी पूरा कीजिए।
लेकिन वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस से KYC तभी पूरी होगी जबकि आप जिस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं वो बैंक इसके लिए इनेबल्ड अपने आप को कर लिया हो। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूं कि अब आपको या तो KYC अपडेट कराने के लिए या फ्रेश KYC कराने के लिए बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। आप नॉन फेस टू फेस चैनल जैसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, थ्रू ATM, थ्रू मोबाइल बैंकिंग या कोई और लेटर के द्वारा या अदर डिजिटल चैनल के द्वारा भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आइदर सेल्फ डिक्लेरेशन और यदि आपका एड्रेस चेंज हुआ है तो दोनों ही चीजें आप इस द्वारा भेज सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें, कुछ क्वेरीज हो इसके बारे में बताएं, कुछ चीजें अच्छी लगी हो इसके बारे में भी बताएं और कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में जरूर बताएं। थैंक यू, गुड डे।